हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट में क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ सिस्टम या एनी स्टेशनरी या सेंट्रल बॉडी सिस्टम क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, एंगुलर स्पीड हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम, जब भी सेंट्रल फोर्स लगता है तो एंगुलर मोमेंटम फोर्स सेंटर के अबाउट क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, उसके बाद हमने दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमने देखा था कि बाइनरी स्टार क्या होता है। बाइनरी स्टार में हमने ये देखा था कि जब दो पार्टिकल्स, ठीक है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के वजह से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, तो वैसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी स्टार बोलते हैं। हमने ये देखा था कि बाइनरी स्टार के केस में एंगुलर स्पीड, उसके बाद टाइम पीरियड, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि दोनों जो बाइनरी स्टार्स जो हैं उनका मास सेम है या नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि टर्शियरी स्टार देखा था। टर्शियरी स्टार में हमने थ्री पार्टिकल्स को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखा था और हमने ये देखा था कि यदि वो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के वजह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे तो उस सिचुएशन में उनका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। उसके बाद हमने देखा था कि नहीं, कोई भी स्क्वायर, यदि फोर पार्टिकल्स है जिसको क्वार्टरनरी स्टार्स बोलते हैं, फोर पार्टिकल्स हैं उनको स्क्वायर के वर्टाइसेस पे रखा हुआ है, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उस केस में ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा, बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब भी आपको ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करना है तो क्या करना रहता है कि किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स लिखो, वही फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, आर होगा। वी क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, आर क्या है, रेडियस ऑफ क्या है, ऑर्बिट है। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि एस्केप स्पीड जो है और एस्केप वेलोसिटी किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे के सरफेस पे उसका वैल्यू क्या होता है और क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। एस्केप स्पीड क्या होता है या एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे, जैसे मून ले लो, अर्थ ले लो या इवन सन ले लो, यदि किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के सरफेस से, ठीक है, जब किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जब पार्टिकल क्या होता है, उस स्फेरिकल बॉडी या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल जो है एस्केप हो गया, यहाँ से दूर चला गया, वो कभी नहीं रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब हो सकता है कि वी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वी का मिनिमम वैल्यू होता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी बाई विच इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड द पार्टिकल गो बियॉन्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द क्या होगा, स्फेरिकल बॉडी, देन सच मिनिमम वैल्यू ऑफ वी इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करें तो क्या हो जाए, इस स्फेरिकल बॉडी के क्या हो जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या हो जाए, अवे चला जाए, या हम यूँ बोल सकते हैं कि वो कभी रिटर्न नहीं हो, तो वैसे मिनिमम स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एस्केप स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेशन करेंगे और फिर हम डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट प्लानेट पे, अर्थ पे एस्केप स्पीड कितना होगा, मून पे एस्केप स्पीड कितना होगा, सन के सरफेस पे एस्केप स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले क्या है कि मुझे क्या करना है, देखो जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो, याद रखना है
कि कभी भी आपसे स्पीड पूछा जाए कि कैलकुलेट करो, तो हमेशा कंजर्वेशन अब क्या करना है, एनर्जी आपको क्या करना है, यूज करना है, क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, कि मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी बाय विच वी, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी बाय, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी बाय विच व्हेन, बाय विच ये ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ वी बाय विच पार्टिकल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड पार्टिकल क्या होगा, देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बाय विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम पॉइंट पी एंड इट, एंड इट गो बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फेरिकल बॉडी, देन, देन सच मिनिमम वैल्यू ऑफ वी इज कॉल्ड, कॉल्ड एस्केप स्पीड, ठीक है। थोड़ा मैंने लंबा डेफिनेशन लिख दिया, क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ बी वी बाय विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट पी एंड इट गो बियॉन्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्फेरिकल बॉडी, देन सच मिनिमम वैल्यू ऑफ वी इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, ठीक है। एस्केप स्पीड ऑफ द, ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो एस्केप स्पीड को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, वी से, तो वी ई इक्वल टू क्या होगा, वी मिन, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लो कि अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ, ये भी आपको मालूम है कि इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, बता सकते हो, इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी बाय विच इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इट विल गो टू क्या होगा, एट इन्फिनिटी, देन सच मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इज कॉल्ड एस्केप स्पीड, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो, आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहाँ होता है यार, ये मालूम है ना, देखो, इसके द्वारा कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, आउटसाइड के पे किसी पॉइंट पे लिखोगे तो क्या होगा, जी एम अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। तो आपको मालूम है ये जीरो कब होगा, जब आर टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं कि ईजी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जहाँ ईजी जीरो हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लाएगा और रिटर्न नहीं आएगा, समझ में आया ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, समझ में आई बात। तो टोटल एनर्जी एट पी क्या होगा, बता सकते हो, देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो, तो यहाँ माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर की जगह हम लिख,
प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बता सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर यदि इन्फिनिटी हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? जीरो प्लस क्या लिखेंगे? के ई काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी। समझ में आया? ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, मिनिमम चाहिए। समझ में आया ना? तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। देखो तो हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी, ठीक है, क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? देखो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस क्या लिखेंगे? के ई एट इन्फिनिटी। तो अब देखो इसको मिनिमम होने के लिए इसको तो कुछ चेंज नहीं कर सकते यार, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये तो फिक्स होगा ना, हाइट तो फिक्स ही होगा, तो इसको क्या होना चाहिए? हम बोल सकते हैं ऐसे कि दिट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से, ये समझ में आया? देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं वन बाई टू एम वी स्क्वायर मीन, ठीक है, इज इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा? आर। तो देखो यहाँ से एम कैंसिल हो गया, ठीक है, और भी मीन इक्वल टू कितना होगा आप देख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? जी एम अपॉन कितना हो जाएगा? टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मिनिमम स्पीड को क्या बोलते हैं हम? एस्केप स्पीड। क्या बोलेंगे? एस्केप स्पीड एट पॉइंट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या हो जाएगा? एस्केप स्पीड एट पॉइंट पी। तो समझ में आई बात? तो देखो यहाँ से हम इसको ये कर देते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, यहाँ से दो तीन पॉइंट मैं बताता हूँ, इसकी ज़रूरत है इसको ऐसे। यहाँ से देखना बेटा, हमने यहाँ क्या कंसीडर किया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ हमने इस सरफेस के टेंजेंट के साथ हमने कितना एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है? थीटा एंगल। देखो यहाँ एस्केप स्पीड जो है वो एंगल कितने एंगल पे आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो उससे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? देखो मास ऑफ द क्या होगा? स्फेरिकल बॉडी एंड द रेडियस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द क्या होगा? सेंटर ऑफ द क्या होगा? स्फेरिकल बॉडी। इसी पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। यू बोल सकते हैं कि क्या चीज़ पे इनडायरेक्टली क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड ऑन द क्या होगा? मास ऑफ द क्या होगा? सेंट्रल बॉडी एज वेल एज हाइट ऑफ द क्या होगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द क्या होगा? सरफेस ऑफ द क्या होगा? स्फेरिकल बॉडी। दो ही चीज़ पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। और किसी चीज़ पे क्या होगा? डिपेंड नहीं करेगा। थीटा पे भी क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? याद रखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एस्केप इज इक्वल टू क्या होगा? देखो ध्यान से, टू रूट टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा? आर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस क्या हो जाएगा? एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट टू इंटू क्या हो जाएगा? वी ओ। याद आया? इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं ना यार। देखो ध्यान से, तो एस्केप स्पीड इज क्या होता है? रूट टू टाइम्स क्या होता है? ऑर्बिटल स्पीड होता है। अरे ऑर्बिटल स्पीड कल मैंने बताया था, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। दिस इज क्या होगा? ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां से मैं दो तीन पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा रिगार्डिंग एस्केप स्पीड। ठीक है, अब ये तुमको फॉर्मूला क्या है ये याद रखना है, और भी हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म में लिखेंगे। देखो ध्यान से, सम क्या होगा? सम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एस्केप स्पीड।
ठीक है बेटा, ये ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो ध्यान से, एस्केप स्पीड जो है क्या है, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये पॉइंट में क्या होगा, मास ऑफ द, क्या होगा देखो, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, दैट इज क्या बोलेंगे, दैट इज VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्मॉल m के पावर जीरो, समझ में आया क्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अभी हमने देखो एस्केप स्पीड में कहीं थीटा आया है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि एस्केप स्पीड क्या होगा, इस रेफरेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं, एस्केप स्पीड क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट पी, समझ में आया ना। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ध्यान से, यही क्या है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, थोड़ा छोटा मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से देखो पी पॉइंट से ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे फेंका ओरिजेंटली, ठीक है, एक पार्टिकल मान लो वन है, समझ में आया, एक पार्टिकल क्या है, वन है, दूसरे को हमने क्या किया, ऐसे फेंका, ये पार्टिकल टू है, तीसरे को हमने ऐसे फेंका, ये पार्टिकल थ्री है, ठीक है, ये पी वन, वन टू थ्री पार्टिकल है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि एस्केप स्पीड तीनों का क्या होगा, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, एस्केप स्पीड देखो मैं ऐसे वी ई वन इक्वल टू क्या होगा, वी ई टू, ठीक है, इक्वल टू वी ई थ्री, इक्वल टू वी ई, इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन क्या होगा, ठीक है, इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है, आई मीन ये कितना हो जाएगा, यहाँ तुम लिख सकते हो, अभी मैंने बताया था अंडर रूट क्या होगा, टू जी एम अपॉन क्या हो जाएगा। तो हर केस में क्या होगा, स्केप स्पीड जो होगा वो क्या होगा, सेम, आई मीन डायरेक्शन ऑफ, एक ही पार्टिकल है, डिफरेंट पार्टिकल भी ले लो, ठीक है, ये ध्यान देना है कि पार्टिकल डिफरेंट भी हो तो अलवेज क्या होगा, एस्केप स्पीड जो होगा किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे क्या होगा, सेम होगा, वो फिक्स होता है, समझ में आया ना। क्यों, क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, यह हमने ऑलरेडी लिखा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं डिस्कस कर दे, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो याद रखना है बेटा कि ऑर्बिटल स्पीड जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट टू टाइम्स क्या होगा, सॉरी एस्केप स्पीड क्या होगा, रूट टू टाइम्स अब क्या होगा, और ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो अब यहां तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट क्या है, हमने एस्केप स्पीड, ठीक है, एस्केप स्पीड ऑन एनी प्लैनेट मैं लिख देता हूं, एनी प्लैनेट, ठीक है, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो एक हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लैनेट, ठीक है, समझ में आया ना। बी में क्या होगा, मास ऑफ द क्या होगा, ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ दैट इज हम यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, देखो दैट इज हम बोल सकते हैं कि वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस क्या हो जाएगा एच, ठीक है,
इस केस में हम ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ क्या बोल सकते हैं, प्लैनेट मास के, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वी स्केप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, यदि हम इसको कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो दो चीज पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि अब हम पढ़ेंगे क्या कि एस्केप स्पीड नियर टू द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट। ठीक है, तो अगला जो थर्ड पॉइंट है वो हम क्या पढ़ेंगे, देख लो ध्यान से सब, एस्केप स्पीड, ठीक है, एस्केप स्पीड नियर टू द क्या होगा, टू द सरफेस ऑफ एनी क्या होगा, एनी प्लैनेट। ठीक है, तो सरफेस का मतलब समझ में आया ना कि ये कोई प्लैनेट है, तो यहीं से इसके सरफेस से किसी भी पार्टिकल को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मिनिमम स्पीड को हम क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड बोलेंगे। इस मिनिमम स्पीड के कोरस्पोंडेंस पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, जस्ट इन इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगा, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, h इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ h इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ve इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अंडर रूट 2gm अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। यहाँ भी आप देख सकते हो कि किसी भी, अब ve यदि आप देखोगे तो देखो क्या होगा, अंडर रूट 2gr भी हम लिख सकते हैं, सही है। ठीक है, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू क्या होगा, vo, ये तीनों फार्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, इफ द प्लैनेट इज क्या होगा, अर्थ, यहाँ देखो नोट में दो तीन पॉइंट हम लिख लेते हैं, इफ द क्या होगा, इफ द प्लैनेट इज क्या होगा, अर्थ, आई मीन एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ वी जो होगा वो क्या होगा, रूट टू इंटू क्या होगा, हमने पढ़ा था कल की, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और वाइटल स्पीड क्या होता है, या वैल्यू भी रख सकते हो, देखो अंडर रूट क्या होगा, जी इंटू आर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये नियरली कितना आएगा, 11 पॉइंट। ठीक है, आई थिंक ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 आएगा और ये 1.4, तो नियरली क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर क्या होता है, पर सेकंड होता है। तो एस्केप स्पीड जो है अर्थ पे क्या होगा, कितना होगा, 11.2 किलोमीटर, ही याद कर जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा, ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, देखो एस्केप स्पीड नोट में ही मैं लिख रहा हूं अगला पॉइंट। ठीक है, एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा, मून के क्या हो जाएगा, मून के सरफेस पे वी इक्वल टू देखो अंडर रूट 2g अपॉन 6 इंटू क्या हो जाएगा, आर मून। ठीक है, समझ में आया ना, कितना हो जाएगा अंडर रूट, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वी जो मून पे होगा वो आई थिंक 3.4 किलोमीटर, ठीक है, पर सेकंड होता है। समझ में आई बात, कहाँ, ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा, मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या होगा, 3.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सिमिलरली स्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ क्या होगा, सरफेस ऑफ सन, ये कैलकुलेट भी कर, ठीक है, तो सरफेस देखो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट
टू जी मास ऑफ सन अपॉन क्या होगा रेडियस ऑफ सन, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 615 किलोमीटर क्या होगा पर सेकंड होता है। समझ में आया क्या? तो सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, एस्केप स्पीड सबसे कम कहाँ होता है, कहाँ होता है सबसे कम जो एस्केप स्पीड होगा वो कहाँ होगा आपको मालूम है बेटा? कहाँ? मून पे। इसलिए मून के सरफेस पे एटमोस्फियर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या होगा कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, एस्केप स्पीड से क्या है मून के सरफेस पे क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो मून के सरफेस से क्या होते हैं, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर चले जाते हैं और वहाँ कभी रिटर्न नहीं आते हैं। दैट्स वाई क्या होगा ऑन द सर्फेस ऑफ मून क्या होगा एटमोस्फियर नहीं पाया जाता है। यहाँ देखोगे कि सन के पास देखना कि इसका जो एस्केप स्पीड क्या है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ हर टाइप के गैसेस नियरली क्या होगा हाइड्रोजन भी मिल जाएगा तुमको, हीलियम भी मिल जाएगा, बिकॉज अब क्या होगा हायर एस्केप स्पीड। अर्थ पे जो है एस्केप स्पीड कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो उसके बाद और भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं, देखो तो अगला जो पॉइंट है कि एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ हाँ अगला पॉइंट लिखना कि एनी प्लैनेट ठीक है विल हैव एटमोस्फियर इफ एवरेज स्पीड या आरएमएस स्पीड, हम बोल सकते हैं यहाँ आरएमएस स्पीड ऑफ इफ वी आरएमएस स्पीड इज लेस देन क्या होना चाहिए वी एस्केप। समझ में आया ना कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे यदि आरएमएस स्पीड जो है वो क्या हो जाए एस्केप स्पीड से कम हो जाए तभी उसके सरफेस पे क्या होगा एटमोस्फियर जो होगा वो पाया जाएगा, अदरवाइज क्या होगा एटमोस्फियर आपको वहाँ नहीं मिलेगा। क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे इजली एस्केप स्पीड को गेन कर लेंगे और उस प्लैनेट के सरफेस से बहुत दूर चले जाएंगे, वहाँ कभी रिटर्न नहीं होंगे। समझ में आना, तो इसलिए मैंने लिखा कि एनी प्लैनेट विल हैव एटमोस्फियर इफ गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो आरएमएस स्पीड है वो क्या होना चाहिए एस्केप स्पीड से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। आरएमएस स्पीड अब क्या होगा गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, तो ये तुमको क्या करना है ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो देखो वी ई इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2gm अपॉन क्या हो जाएगा r, यही होगा, और m के जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा m इज इक्वल टू क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा रो, वैल्यू रखो तो v इक्वल टू क्या होगा देखो ध्यान से 4 कितना हो जाएगा 8π/3 ठीक है जी रो, ठीक है इंटू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये मालूम चल सकता है कि यदि डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एस्केप स्पीड ऑन एनी प्लैनेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेडियस ऑफ द प्लैनेट, कब जब वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाए रो क्या हो जाए कांस्टेंट है, जितना किसी प्लैनेट का क्या हो जाए रेडियस क्या हो जाएगा ठीक है ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ क्या होगा एस्केप स्पीड क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो
escape speed on the surface of any planet in terms of density, हमने क्या लिखा, square root of 8 pi by 3 into g into क्या होगा, rho into r, इधर अंदर r, r square होगा, उसको हमने क्या किया, बाहर लिखा, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ये पूछा जाता है कि if the, देखो ध्यान देना, अगला पॉइंट ये पूछा जाएगा कि देखो ध्यान से क्या होगा, इफ इफ पार्टिकल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ विथ स्पीड स्पीड वी डैश, और यहां लिख देता हूं ग्रेटर देन क्या, विथ स्पीड क्या होगा, ग्रेटर देन, ऐसे लिख देता हूं ग्रेटर देन स्केप स्पीड, ठीक है, देन पार्ट देन इट विल गो इन इंटरस्टेलर ऑर्बिट स्टेलर ऑर्बिट, ठीक है। तो वहां जाकर के क्या होगा, ये ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। जैसे देखो यहां हमने क्या किया, देखना ध्यान से, ये अर्थ है, ठीक है, या कहीं हमने सरफेस कंसीडर कर लिया, हाइट भी कंसीडर कर लिया, कोई फर्क नहीं। यहां हमने मान लो कि हमने क्या किया, उसको ऐसे फेंका पार्टिकल को, इसका मास क्या है, एम है, और हमने क्या किया, वी डैश से फेंका, वी डैश इज क्या होगा, वी, तो ऑफकोर्स वहां जाकर के वो रुकेगा नहीं, ये समझ में आया ना, क्योंकि हमने जब एस्केप स्पीड से फेंका था तो हमने माना था कि वहां जस्ट इंफिनिटी पे क्या हो रहा है, वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगेन इसका मतलब क्या है कि इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड ग्रेटर देन द क्या होगा, एस्केप स्पीड, देन इट विल गो इन क्या होगा, इंटरस्टेलर ऑर्बिट, एंड वहां क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो पूछा जाएगा कि इंटरस्टेलर ऑर्बिट में उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो अगेन आप क्या करोगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो यहां, ठीक है, यही मैं कंसीडर कर लिया था, यहां क्या होगा, 1 बाई टू एम वी डैश स्क्वायर माइनस देखो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा आर, और ये इंफिनिटी पे चला गया है तो वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वहां वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका कुछ होगा, तो मैं ये मान ले रहा हूं एम वी, ठीक है, वी स्क्वायर, समझ में आया। यहां से देखो तुम इसको हम लिख सकते हैं, देखो वी डैश स्क्वायर माइनस यहां लिख सकते हैं टू जी एम अपॉन क्या होगा आर इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा वी ई स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आया ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, कभी कभी ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी डैश स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर। इस स्पीड से क्या होगा, ये इंटर स्टेलर ऑर्बिट में क्या होगा, रोटेट करेगा, समझ में आया ना, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है, तो पार्टिकल वेलोसिटी सिंपल लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन इंटर स्टेलर ऑर्बिट, ठीक है, इस ऑर्बिट में क्या होगा, वो इंटरस्टेलर ऑर्बिट में क्या होगा, वो रिवॉल्व करने लगेगा, किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा ये? अब यहाँ वैल्यू दिया हुआ है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि वहाँ उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहा जो आपको क्या है, एस्केप स्पीड से रिलेटेड है, समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे कि अभी हमने ये देखा था कि पार्टिकल जो है क्या होता है, एस्केप भी हो जाता है,
एस्केप नहीं भी होगा, ये कुछ भी हो सकता है। यदि मान लो कि प्रोजेक्टेड स्पीड जो एस्केप स्पीड से कम होगा तो क्या हो सकता है, वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर नहीं जाएगा और उसके अराउंड क्या होगा, वो एलिप्टिकल पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे तो मूव करेगा तो एस्केप हो जाएगा, तो उसके अराउंड क्या होगा, वो एलिप्टिकल पाथ पे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, या सर्कुलर पाथ पे भी मूव कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि मान लो कि कोई भी प्लैनेट है, वहाँ से किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा वो अपने को क्या करना है, अभी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि पाथ, ठीक है, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रोजेक्टेड इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। बेटा यहाँ मैं इलिप्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ आप लोग शायद पढ़े भी हो कि इलिप्स में क्या होता है, देखो इलिप्स में दो फोकस होते हैं, समझ में आया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मान लो वाई एक्सिस हो गया, इसको एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट मैं ए कॉमा जीरो लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट माइनस जीरो कॉमा बी, इसका क्या होगा, जीरो प्लस बी, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल भी क्या होगा, माइनर एक्सिस और ये क्या होगा, मेजर एक्सिस। इसमें दो फोकस होते हैं, ठीक है, शायद तुम लोगों को मालूम होगा, एक फोकस इसको F1 बोल सकते हैं और इसको हम F2 बोलते हैं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये दो फोकस होते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत है अभी। अब मान लो, देखो यही क्या है, कोई प्लैनेट है, मान लो कि हम यहाँ अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, चलो इसको अर्थ कंसीडर कर लेते हैं जनरली, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से इसके सेंटर से, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ से हमने क्या किया, पार्टिकल को फेंका, इसका मास क्या है, एम है, ठीक है, क्या होगा, इसका पार्टिकल का मास क्या है, एम है, और ये हाइट कितना हो गया, एच हो गया, इसका रेडियस आपको मालूम है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वी, इसका पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ क्या हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, और क्या होगा, हाइपरबोला होगा, समझ में आया ना, क्या होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और इलिप्स कुछ भी हो सकता है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आया कि इलिप्स में क्या होगा, दो फोकस होगा, ये बात समझ में आ गया, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ आप ये ध्यान देना, कई केसेस कंसीडर कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तो हम लिख लें कि वी इज लेस देन क्या हो जाए वी यू क्या है बेटा, ऑर्बिटल स्पीड है, ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड समझ में आया ना, कि जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, यहाँ यदि ऑर्बिटल स्पीड कोई पूछे तो क्या बताओगे, वी ओ इक्वल टू अंडर रूट क्या बताओगे, जी एम अपॉन क्या होगा, आर होगा, यही होगा ना बेटा, और वाइटल स्पीड। सर्कुलर पाथ पे हम इसको सर्कल कंसीडर कर लेते, ये सर्कल पे मूव करेगा ना, उसी से अपने को कंपेरिजन करना है। इफ वी क्या हो जाए, वी ओ से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, देन ध्यान रखना है, देन यही क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, देन पार्टिकल विल क्या होगा, will move on क्या होगा, elliptical path in which earth is situated, at क्या होगा, ellipse में दो focus होता है, समझ में आया ना,
तो जब क्या होगा, वी देखो प्रोजेक्टेड स्पीड और वाइटल स्पीड से क्या हो जाए, कम हो जाए। और वाइटल स्पीड का मतलब क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, जीएम अपॉन क्या हो जाएगा आर, आर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा एच। ठीक है, याद रखना है एक पॉइंट, इफ वी इज क्या हो जाए प्रोजेक्टेड स्पीड, वी नॉट से क्या हो जाए कम हो जाए, देन पार्टिकल विल मूव ऑन इलिप्टिकल पाथ इन विच अर्थ इज सिचुएटेड एट, सिचुएटेड एट फार फार फोकस, फोकस फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया ना, आई मीन यहां से देखो, एक तो ऐसे मूव करेगा इलिप्टिकल पाथ पे, ऐसे जाएगा इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोकस जो यदि और प्रोजेक्टेड स्पीड और वाइटल स्पीड से क्या होगा, कम होगा, तो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा, लेकिन फोकस अर्थ को हम कहाँ मानेंगे, जो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे जो दूर फोकस है उस पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सिचुएटेड मान लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इफ देखो ध्यान से, इफ क्या होगा, प्रोजेक्टेड स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, और वाइटल स्पीड और क्रिटिकल स्पीड। समझ में आया ना, यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट जी एम अपॉन क्या हो जाएगा आर। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, देन ठीक है, देन क्या हो जाएगा पाथ, देन पाथ या ट्रेजेक्ट्री, देन पाथ और क्या होगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल विल बी क्या होगा, विल बी इलिप्स, सॉरी विल बी इलिप्स नहीं सर्कल। ठीक है, तो उस केस में पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा जो सिचुएशन है वो तुम ऐसे सोच सकते हो, तीसरा जो केस क्या होगा, तीसरा ये हो सकता है कि इफ देखो ध्यान से, इफ भी जो क्या हो लेस देन क्या हो एस्केप स्पीड एंड क्या हो जाए ग्रेटर देन क्या हो जाए प्रोजेक्ट, देन अगेन क्या होगा, अगेन पाथ ठीक है ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल विल बी क्या हो जाएगा, विल बी इलिप्स, इलिप्स इन विच अर्थ, अर्थ इज सिचुएटेड एट नियर फोकस फ्रॉम पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। उसके बाद जो इसके अगला पॉइंट हम देखेंगे, देखो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री कभी कभी हॉरिजॉन्टल दिया होगा, लेकिन हमने जनरल केस कंसीडर कर लिया है। ठीक है, चौथा जो केस होगा वो क्या होगा बेटा, देखो कि इफ इफ वी इज क्या हो जाए, वी एस्केप, देन क्या हो जाएगा, देन पार्टिकल विल क्या हो जाएगा, विल मूव ऑन क्या हो जाएगा, ऑन पैराबोलिक पाथ एंड एंड विल गो गो टू कहाँ, गो टू इन्फिनिटी। ठीक है, पार्टिकल जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, और चौथा जो सॉरी इसमें जो लास्ट जो पॉइंट है उसको हम बोल सकते हैं कि इफ देखो ध्यान से, इफ वी जो क्या हो जाए, वी इज ग्रेटर देन क्या हो जाए एस्केप स्पीड, देन देन पाथ ऑफ
पार्टिकल विल बी क्या होगा, विल बी हाइपरबोला। ये तुमको पॉइंट क्या करना है, हाइपरबोला। समझ में आया क्या? तो इसमें बेटा क्या होगा कि प्रोजेक्टेड स्पीड क्या हो जाए, यदि इसको बोलते हैं कि सैटेलाइट को मुझे लॉन्च करना रहता है, तो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में एक केस आता है कि आपको किसने वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करना है कि वो पाथ उसका क्या हो जाए, उस केस में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तभी हमने देखा कि प्रोजेक्टेड स्पीड क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए, जनरली क्या हो जाए, प्रोजेक्टेड स्पीड जो क्या हो जाए ऑर्बिटल स्पीड से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा उसका पाथ जो होगा क्या आएगा, इलिप्टिकल होगा। यदि क्या हो जाए ऑर्बिटल स्पीड के क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। अगेन यदि प्रोजेक्टेड स्पीड क्या हो जाए ऑर्बिटल स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो उसका पाथ जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा इलिप्टिकल होगा। यदि ऑर्बिटल स्पीड से क्या हो जाए प्रोजेक्टेड स्पीड ज़्यादा हो जाए, एस्केप स्पीड से कम हो जाए, तो पाथ क्या होगा, पैराबोला होगा। और एस्केप स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो पाथ क्या हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ये केवल रिजल्ट तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आई बात, ये आप इसको आपको याद रखना है। अब तुमसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ फिर हम पढ़ेंगे कि मान लो कि ये प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ मान लो या कोई, इसका मास m है, इसका रेडियस क्या है, ये सेंटर है, ये रेडियस r दिया हुआ है। यहाँ से कोई पार्टिकल v क्या है, v नॉट वेलोसिटी से क्या हुआ या v वेलोसिटी से फेंक दिया गया, इसका मास क्या है m है। तो तुमसे पूछा गया है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट attained by particle from the surface of capital M। समझ में आया क्या? देखो मैक्सिमम हाइट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जब आया तो यही h max मान लेता हूँ, देखो h max हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ आया तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यार, सही है। अरे मैक्सिमम हाइट वही होगा ना जहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और फिर वो रिटर्न भी आ जाएगा। तो यहाँ इस टाइप के प्रॉब्लम को जब भी तुमसे वेलोसिटी पूछा जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलवेज यूज करना। तो यदि मैं इसको पॉइंट पी मान लूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट पी इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी एट क्या हो जाएगा, क्यू। तो टोटल एनर्जी पी पे क्या होगा, देखो यहाँ लिख सकते हो टोटल एनर्जी कितना लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड के लिए क्या होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो क्या लिखेंगे, माइनस जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन आर प्लस क्या हो जाएगा एच, सही है, ठीक है। अपने को एच कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एच कैलकुलेट करना है, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जी एम अपॉन क्या होगा आर, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, हाफ वी स्क्वायर, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, सही है ना। इसको ऐसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं, टू जी एम अपॉन आर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर इंटू वन प्लस एच अपॉन आर, ठीक है। मैं यहाँ कोरिलेट कर देता हूँ, ठीक है, सब चीज़ों को देखो, ये कितना आसान हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट याद रखो। अब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तुमको मालूम है, इसके जगह एस्केप स्पीड लिख सकते हैं क्या, अरे एस्केप स्पीड ऑन द सर्फेस ऑफ एनी प्लानट क्या होता है, अंडर रूट टू जी एम अपॉन क्या होता है आर होता है। तो देखो इसको लिख सकते हैं वी ई स्क्वायर
माइनस वी स्क्वायर, इसके जगह क्या लिख सकते हैं बेटा बता सकते हो? देखो अभी लिखा था, और वाइटल स्पीड कितना होता है? वी ओ इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट जी एम अपॉन क्या होगा? आर होगा, ठीक है। और हमने देखा था कि वी ई इज इक्वल टू क्या होता है? रूट टू टाइम वी ओ होता है, तो वी ई अपॉन रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ओ हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सही है क्या? सबको हमने क्या किया, एस्केप स्पीड के टर्म में लिख डाला, थोड़ा आसान करने के लिए चीज़ों को। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, देखो वी स्क्वायर बाई टू। अब मैं अपॉन वन प्लस एच अपॉन, मैंने क्या लिखा आर, इधर हम लिख सकते हैं वन प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इन टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो h इज इक्वल टू r इन टू, मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से बेटा आसानी से ये h मैक्स हो गया, ठीक है, h मैक्स लिख लेना यहाँ, एच मैक्स तुम क्या कर सकते हो, आसानी से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आई बात, ठीक है। तो एच मैक्स हम क्या करते हैं, जब भी तुमसे कहीं भी एच पूछा जाए तो हमेशा क्या करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या होता है, लास्ट ही पॉइंट है। और तो देखो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ठीक है, क्या होगा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो केपलर्स ने तीन लॉ दिया, उन्होंने बताया था कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं और क्या क्या सिचुएशन होता है, तो उन्होंने तीन लॉ दिए। पहला जो लॉ है उसको फर्स्ट लॉ बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या है, तो थ्री लॉ, फर्स्ट लॉ जो है क्या है, इसको लॉ ऑफ हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट केपलर्स, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, और सेकंड लॉ, कभी कभी ऐसे भी सेकंड लॉ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, सेकंड केपलर्स लॉ। थर्ड लॉ जो है क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है, और थर्ड समझ में आई बात। तो यही अपने को क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो कुछ पॉइंट हम इसमें नोट कर लेंगे, पहले तो एक मिनट मुझे एक पॉइंट नोट कर लेने दो, आर्थेस्ट पॉइंट, और एक पॉइंट है उसको क्या, हाँ देखो सबसे पहले तुमको क्या कंसीडर करना है, सभी लॉ को समझने से पहले कि पहले हम एलिप्स सोच लेते हैं कि थोड़ा एलिप्स में होता क्या क्या है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, देखो ये क्या हुआ माइनर एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी, माइनस जीरो कॉमा माइनस बी, समझ में आया। इसमें क्या होगा, दो फोकस होगा, देखो ध्यान से, एक फोकस क्या होगा ए एफ टू, मान लो एफ वन, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा क्या होता है जीरो, ये तुम जानते हो,
इसको यहाँ जो फोकस होगा इसको चलो F1 मान लें, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा क्या होता है जीरो, ये तुम जानते हो। E देखो E स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ठीक है समझ में आया। ठीक है इसका ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्या होगा मेजर एक्सिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द क्या होगा माइनर एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट मैं लिख दूँ ए ए डैस सॉरी ए डैस ए बी क्या होगा बी डैस। तो यहाँ देखो ए ए डैस इक्वल टू क्या होगा टू ए बी बी डैस इक्वल टू क्या होगा टू बी, ठीक है समझ में आया ना, ये तुमको ध्यान में रखना है। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है केपलर्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया केपलर्स ने ये बताया था, इसमें ध्यान रखना है केपलर्स ने ये माना था कि सन जो है वो ऑलवेज क्या होता है रेस्ट में होता है, ठीक है। तो केपलर्स का एजम्पशन जो है वो क्या है कि सन इज सिचुएटेड एट रेस्ट और दो फोकस में सन जो होगा वो किसी एक फोकस पे क्या होगा सिचुएटेड होगा और क्या होगा रेस्ट में होगा और जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या होंगे सन के अराउंड क्या होगा इलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं मूव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लिख लेते हैं, तो फर्स्ट लॉ केपलर्स फर्स्ट लॉ और हम क्या बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, एंड सन इज समझ में आना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकस ऑफ एलिप्स, समझ में आया क्या ये बात समझ में आई कि सन जो है वो क्या है किसी एक इलिप्स पे इलिप्स के किसी एक फोकस पे क्या होता है सिचुएटेड होता है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या होते हैं इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है समझ में आया। तो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ और थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ कैलकुलेशन भी करने हैं, तो दूसरा कुछ नहीं है थोड़ा मैं ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स डैस वाई डैस, ठीक है। तो देखो थोड़ा कुछ इस थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। देखो यही क्या हो गया एफ वन शायद हमने माना था ए एफ टू हमने माना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए ई माइनस ए कॉमा ई जीरो और इसका कोऑर्डिनेट क्या है ए ई कॉमा क्या है जीरो। अब मान लो कि सन जो है हम मान लिए कि सन कहाँ है यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है समझ में आया ना। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो ये क्या होगा ए कॉमा जीरो दिस विल बी माइनस ए कॉमा जीरो और ये क्या हो जाएगा जीरो कॉमा बी और दिस विल बी जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि सन जो होगा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी क्या हैं इस इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं और सन जो होता है वो क्या होता है किसी एक फोकस पे जैसे हमने मान लिया कि यहाँ क्या है सिचुएटेड है, ठीक है। तो पाथ अब क्या होगा प्लैनेट्स मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे दिस इज नथिंग बट द पाथ ऑफ क्या होगा प्लैनेट,
ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट ए होगा, दूसरा ए ए डैश। अब इस पॉइंट को सन से जो फार्थेस्ट डिस्टेंस होता है, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, आर ए बोलेंगे, आर ए, और इसको हम क्या बोलेंगे, आर मैक्स भी बोलेंगे। समझ में आया ना? ठीक है, समझ में आया, आर मैक्स, और इसका नाम भी है, इसको क्या बोलते हैं, फार्थेस्ट डिस्टेंस को इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपोजी, और एपहेलियन। ठीक है, एपोहेलियन है ना, एपो, ठीक है, समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, सन से जो जब प्लैनेट का जो फार्थेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आर मैक्स। इसको मैंने आर ए लिखा, और इसको हमने क्या लिखा, एपोजी, और क्या लिखा, एपोहेलियन। ठीक है, उसके बाद इसको मैं ए डैश नहीं लिख करके ए लिख रहा हूँ, और इसको पी लिख रहा हूँ। ए का मतलब एपोजी, और पी का मतलब क्या होगा, पेरिजी। ठीक है, क्या होगा, पेरिजी, और पेरिहेलियन इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, पेरी, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका जो सन से जब प्लैनेट का मिनिमम डिस्टेंस होता है, देखो उसको हम क्या लिखेंगे, आर मीन लिखेंगे, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आर पी। ठीक है बेटा, तो देखो आर ए तुम लिख सकते हो, आर मैक्स, आर ए इक्वल टू लिख सकते हो, आर ए इक्वल टू क्या होगा, देखो दिस डिस्टेंस, तो ए कितना है, ए है, और दिस विल ए ई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या लिख सकते हैं, वन प्लस ए। ठीक है, सिमिलरली आर पी, आर ए देखो मैंने क्या लिखा, आर मैक्स, और आर पी का मतलब आर मीन, तो ए इंटू हम क्या लिखेंगे, वन माइनस क्या हो जाएगा, अरे मुझे ए डिस्टेंस निकालना है, टोटल ए और ए ई, तो दिस विल बी। ठीक है, ये दो पॉइंट तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा जो लॉ है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको जानना भी चाहिए, तो इसको मैं प्रूफ भी करता हूँ अभी। दूसरा जो लॉ है वो क्या है, एक ही जगह मैं बता दूंगा, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ क्या होगा, कैपलर्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ। ठीक है, समझ में आया। तो कैपलर्स ने क्या बताया, सेकेंड लॉ में उन्होंने ये बताया कि क्या होगा, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग, क्या होगा, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। इसको पहले मैं प्रूफ करता हूँ और फिर लिखता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो पहले देखो ध्यान से, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, ये लिख लेना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेडियस वेक्टर, देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग प्लैनेट विथ सन स्वीप आउट, स्वीप आउट इक्वल एरिया, एरियाज इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो ये याद रखना बेटा, बाद में मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये। ठीक है, तो सेकेंड जो लॉ है वो मैं बता देता हूँ तुमको, देखो ध्यान से, कि अब मैं यहाँ, यही क्या है, इलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, और यही सन है, समझ में आया ना, यहाँ फिक्स है।
तो उन्होंने ये बताया, इसको मैं अभी प्रूव भी करूँगा, देखो ध्यान से, कि मान लो कि यही क्या है, यहाँ प्लानेट है, ठीक है, तो प्लानेट यहाँ से यहाँ यही रेडियस वेक्टर होगा ना यार, यही दिस इज प्लानेट, प्लानेट ऐसे मूव कर रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ एरिया कितना स्वीप किया, ये एरिया स्वीप किया, ठीक है, समझ में आया ना, ये एरिया कितना स्वीप हुआ, ये मैं लिख देता हूँ इसको A1, और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, यहाँ T1 टाइम लग रहा है यहाँ से, देखना ध्यान से, ठीक है। सिमिलरली मान लो कि प्लानेट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ से मान लो कि ये क्या हुआ, P to Q आया, कितने टाइम में, T1 टाइम में, और M to N T2 टाइम में जा रहा है, और ये एरिया क्या है, A2 है, ये एरिया A1, और देखो यहाँ भी यहाँ से जब प्लैनेट मूव करेगा तो ये रेडियस वेक्टर होगा ना यार, तो रेडियस वेक्टर एरिया कितना स्वीप किया, यहाँ यहाँ से यहाँ जाने में एरिया यही स्वीप किया, और M टू N जाने में एरिया स्वीप कितना किया, A2 किया, इसको मैंने A2 लिख दिया, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है, देखो ध्यान से, कि यहाँ से यहाँ जाने में यदि टाइम T1 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ भी जाने में टाइम क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग प्लैनेट्स विद द सन स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, समझ में आया ना, आई मीन यदि क्या होगा, केपलर्स लॉ के अनुसार क्या है, कि यदि यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, यहाँ से यहाँ आई मीन पी से क्यू जाने में यदि T1 टाइम लग रहा है, और M से N जाने में भी यदि T1 टाइम लग रहा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2, इफ क्या होगा, T1 इक्वल टू क्या होगा, T2 होगा। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसको प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में हम सोच लेते हैं, ठीक है, कि पहले देखो क्या करना है अपने को, इसको प्रूव करना है, समझ में आया ना, कि यदि T1 इक्वल टू T2 हो जाए तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी मुझे प्रूव करना है कि एरिया स्वीप विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम इंटरवल, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको मैं प्रूव करता हूँ फिर बताता हूँ। अब देखो सबसे पहले बेटा यहाँ तुम बता सकते हो कि इस केस में प्लानेटरी मोशन में सन के अराउंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्या, बता सकते हो बेटा, कि सन के अराउंड प्लानेटरी मोशन के केस में सन के अराउंड क्या होगा, यही सन है बेटा यहाँ, ये एस, देखो अभी क्या है, मान लो कि प्लानेट जो है यहाँ से, प्लानेट क्या है यहाँ है, और थोड़े टाइम के बाद वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, समझ में आया, कहाँ चला गया बेटा, यहाँ चला गया। तो ये मान लो कि ये क्या है, थीटा एंगल है, और ये हम बोल सकते हैं कि डी थीटा वो स्वीप किया, समझ में आया, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये यदि रेडियस क्या है, आर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ जाने में उसको कितना टाइम लगा, टी, कहाँ से आई मीन ए पॉइंट ए है, और ये मान लो पी और ए क्यू, और ये वाला स्वीप करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, डी टी लग रहा है, जस्ट समझ लिया। यहाँ से बेटा मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। तो यदि ये एरिया स्वीप आउट कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा, देखो डेल्टा थीटा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि डी ए इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो तुम, देखो तो 1/2 इंटू ए क्यू, इसको मान लो एम, 1/2 इंटू क्यू इंटू एम, इंटू क्या लिख सकते हो बेटा, आर लिख सकते हो, आर या एस, इसको हम एस मान लिए तो एस इंटू एम, समझ में आया, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू एम को आर डी थीटा भी लिख सकते हैं,
और इसको क्या लिख सकते हैं, एस एम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 1/2 इंटू क्यूएम को हम क्या लिख सकते हैं, आर, ठीक है, स्मॉल आर डी थीटा इंटू, हम इसको एस एम को क्या लिख सकते हैं बता सकते हो, देखो एस एम को हम लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, समझ में आया क्या। अब देखो ध्यान से, यदि मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो डी ए, ये बहुत ही अच्छा टर्म है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 आर स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं बेटा, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, हमने लिखा है क्या, एरियल, एरियल हमने शायद ए आर ई एल होता है, ठीक है, शायद देख लेना, एरियल वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम, सही है, तो डी ए अपॉन डी टी इसको लिख सकते हैं, देखो आई अ प्लैनेट अबाउट एस इंटू क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 एम, और आई ओमेगा क्या होता है, एल होता है क्या, तो हम लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कई बार पूछा गया, समझ में आया ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी, आई थिंक, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी, ए आर आई ई एल होगा, सही है यार, हमने गलत लिख दिया, एरियल वेलोसिटी, देखो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं एल अबाउट सन इंटू क्या हो जाएगा, 2 एम, समझ में आया, ये याद रखना है, पिछले साल ही इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया था इस रिजल्ट से, ये समझ में आया, मैंने कैसे अरे डी डेल्टा थीटा क्या होगा, डी थीटा बहुत ही छोटा होगा, तो इसलिए ये वाला जो ए एम जो होगा वो क्या होगा, पी से कोइंसाइड हो जाएगा, समझ में आया ना, और तो पी एम इक्वल क्यू एम इक्वल टू क्या होगा, आर डी थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर हो जाएगा, जस्ट ये ध्यान रखना। एल क्या है, देखो यहाँ एल एस लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड क्या होगा, अराउंड सन, समझ में आया। एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट। अब ये तुम मुझे बताओ कि यहां से देखो प्रूफ हो जाएगा, समझ में आया ना, डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे लेकिन प्रूफ तुमको बता दिया, याद रखना है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट एट विच एरिया इज स्वीप आउट बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, और एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द प्लैनेट। और हम जानते हैं कि सिंस फोर्स ऑन द क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज पासिस थ्रू क्या होगा, कहाँ से किधर से पास होगा यार, बताना थोड़ा सा, एफ जी जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स विल पासिस थ्रू क्या होगा, सेंटर ऑफ द सन, हेंस हम बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑफ क्या होगा, देखो तो डी एल हम बोल सकते हैं, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क अबाउट एस, और ए वाला जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि डी एल एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, और एल एस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, समझ में आया ना, आई मीन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, तो मास तो कॉन्स्टेंट ही है यार, यहाँ से बोल सकते हैं, समझ में आया क्या, देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि फोर्स सेंट्रल हो तो सेंटर के अबाउट तो उसका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, नाउ हम बोल सकते हैं
कि डी ए इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, अरे कुछ कॉन्स्टेंट होगा, इंटू क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना बेटा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा डी, आई मीन एरिया स्वीप आउट बाय द क्या होगा रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाइम इंटरवल। यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए वन ए टू, ठीक है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू क्या होगा टी वन अपॉन क्या होगा टी टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होगा प्लानिटरी मोशन में, एल एस अपॉन क्या होगा टू एम। एल एस क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लानट अराउंड द क्या होगा सन या अबाउट द सन। अराउंड द सन नहीं लिखना चाहिए, अबाउट द सन लिखना चाहिए, समझ में आया ना, अबाउट द सन लिखना, अबाउट द सन, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चल गया कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू क्या होगा टी वन अपॉन टी टू। तो यहां से आप सोच सकते हो तुम, ठीक है। अब यहां से जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो, यहां से जैसे एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, यहां सन है, देखो ध्यान से, ठीक है। जो क्वेश्चंस यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t1, इसका एरिया एरिया स्वीप आउट कितना है a1, वन प्लानट ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ से जो एग्जांपल हमने देखा था ये t2 लग रहा है, ठीक है। इसका एरिया कितना है a2 है, एरिया स्वीप आउट कितना है a2 है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्या बोल सकते हैं बेटा, a1 देखो क्या होगा, a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू क्या होगा t1 वन अपॉन क्या होगा t2। समझ में आया ना। तो इफ हम ये बोल सकते हैं कि इफ T1 equal to T2, then क्या हो जाएगा, then A1 equal to क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, जो क्या होगा Kepler's second law of planetary motion है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड जो है उस लॉ को देख लें, और वेलोसिटी का रिलेशन मैं लिख देता हूँ बस, दूसरा कुछ इसमें नहीं। इस पर प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, किसी भी बुक में दिया होगा, देखना अब तुम केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड लॉ जो है, थर्ड केपलर्स लॉ, और इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा दिस लॉ, देखो देखो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, आई मीन इसके अनुसार क्या होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द क्या होगा एलिप्स, याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज लेंथ, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ क्या होगा एलिप्स, ठीक है। और दिस इज क्या होगा, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट अराउंड सन। समझ में आया बेटा। तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ द क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। जितना ही मेजर एक्सिस का, आई मीन इलिप्स का मेजर एक्सिस ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा टाइम पीरियड जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि T1 वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 वन अपॉन ए टू के पावर 3/2, ठीक है। इसका भी प्रूफ है, लेकिन छोड़ो जाने दो, ज़्यादा प्रूफ नहीं देखना चाहिए, केवल ये याद रखो, ठीक है। तो तीनों लॉ हमने क्या किया, डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ आप कुछ रिजल्ट भी अपने को क्या करना है, देखना है। दो तीन रिजल्ट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि टोटल एनर्जी ऑफ द क्या होगा प्लैनेट क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक अभी हेडिंग लिखता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम एंड क्या होगा एंड मिनिमम, मिनिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट
प्लैनेट ठीक है। क्या करना है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ द क्या होगा प्लैनेट। अब देखो यहाँ पहले तुम ये सोच लो कि यही एलिप्टिकल पाथ है ठीक है। चलो मैंने ये मान लिया कि सन जो है वो यहाँ रुक गए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ, और प्लैनेट को उन्होंने बोला है कि प्लैनेट तुम बेटा ऐसे मूव करते जाओ, मैं आराम से बैठ रहा हूँ और तुम मेरे अराउंड घूमते रहो, किस पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे ठीक है। तो प्लैनेट मूव कर रहा है ठीक है, प्लैनेट मूव कर रहा है। तो तुम देखो ध्यान से कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, देखो ध्यान से प्लैनेट कहाँ है, यहाँ आ गया, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, सन से उसका डिस्टेंस क्या आर है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, वी वेलोसिटी से। मैंने मान लिया कि यहाँ, क्योंकि उसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा, अभी हम देखेंगे। इसका मास क्या है बेटा, एम है ठीक है। तो तुम बता सकते हो कि एस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल अबाउट एस क्या होता है बेटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एस इंटू ओमेगा, और हम सिंपल लिख सकते हैं एम वी इंटू आर सही है। और अभी हमने देखा था कि प्लैनेटरी मोशन में एल एस क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंट होता है, सही देखा था क्या ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वी इंटू आर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द क्या होगा, सन। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, स्मॉलर विल बी इट्स वेलोसिटी, एंड वाइस वर्सा ठीक है। क्या होगा, वाइस वर्सा। तो देखो समझ में आया ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वी विल बी क्या होगा, वी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर, इन केस ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो यहाँ देख सकते हो इस पॉइंट को मैंने क्या लिखा था, ए, इसको हम क्या बोलते हैं, एपोजी, क्या बोलते हैं हम इसको, एपोजी, और इसको हम क्या बोलते हैं, पी पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पेरी जी ठीक है। ऑफ कोर्स देखो सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है, यही मैक्स है ना, देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, अभी मैंने बताया था दिस इज आर मैक्स ठीक है। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगा वो प्लैनेट का क्या होगा, यहाँ वी ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वी मिन, अरे देखे ना यहाँ, तो सबसे मिनिमम वेलोसिटी पूछा जाए कि कब होगा, तो जब प्लैनेट क्या होगा सन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो उसका वेलोसिटी होगा, देखो यहाँ क्या है, सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है प्लैनेट, तो जब प्लैनेट यहाँ आएगा कहाँ, यहाँ, तो उस सिचुएशन में उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वी मैक्स होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, वी मैक्स, और ये नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर पी हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ जो उसका वेलोसिटी हो गया वो क्या होगा, वी मैक्स हो गया। तो बेटा यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से एक रिजल्ट ये मालूम चल जाएगा, देखो ध्यान से, वी मैक्स ठीक है अपॉन क्या होगा, वी मिन, इसको हमने क्या लिखा है, वी मैक्स कहाँ है, देखो वी पी आई मीन पेरी जी पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और एपो जी पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। समझ में आया ना, इस इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, आर ठीक है, आर पी, और आर ए कितना होगा लिख सकते हो तुम, देखो वन प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस ई, अभी बताया था ठीक है। समझ में आया ना, तो यहाँ से वी पी अपॉन वी वी ए आई मीन याद रखना, वी मैक्स अपॉन वी मिन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वन प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस ई हो जाएगा। कभी कभी यही डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, पूछ देगा आपसे ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वन प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस। बेटा यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, शायद तुम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, ए होगा और ये क्या होगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो एक इक्वेशन अपने को क्या हो गया, मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज कर देंगे, कहाँ, ए एंड पी पे ठीक है। तो मैं इसको अब रब कर देता हूँ और डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड पी ठीक है। क्या लिखेंगे नाउ, क्योंकि दो अनोन है, दो इक्वेशन चाहिए,
नाउ ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट कहाँ, एट ए एंड एपोजी एंड पेरिजी, आई मीन फार्थेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट, तो कितना होगा देखो, 1/2 एम वी ए स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर ए, सही है, इज इक्वल टू 1/2 एम ठीक है कैपिटल एम सॉरी एम वी पी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या होगा आर पी। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो देखो वी ए ठीक है वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी पी स्क्वायर ठीक है प्लस जी एम टू जी एम इंटू देखो 1/RA माइनस क्या हो जाएगा 1/RB ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आया ना, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना घर पे। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो तुमको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा ठीक है। नाउ आफ्टर सॉल्विंग, मैं डायरेक्ट सॉल्विंग इक्वेशन क्या होगा 1 and 2 वी गेट ये रिजल्ट, याद रखना बेटा वी ए देखो मैं लिख रहा हूँ वी ए वेलोसिटी एट एपोजी इक्वल टू वी मिन, समझ में आया ना, इक्वल टू देखो क्या होगा अंडर रूट जी एम अपॉन ए इंटू क्या होगा 1 - E अपॉन क्या हो जाएगा 1+E। ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा गया है कई बार एग्जाम में ठीक है। तो ए पे वेलोसिटी क्या होगा देखो मीन जी एम स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन ए इंटू 1 - E अपॉन क्या हो जाएगा 1+E। अब उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं तो मैं इसको प्रूफ भी कर देता ठीक है, प्रूफ तो बता ही दिया हूँ तुमको सब चीज़। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा यहाँ से देखो कि मैक्सिमम अफकोर्स कहाँ पेरिजी पे पी पे क्या होगा मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, तो वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है जी एम अपॉन क्या हो जाएगा ए अंडर रूट देखो क्या होगा 1+E अपॉन क्या हो जाएगा 1 - E ठीक है। ये तुमको क्या करना है दोनों रिजल्ट याद रखना, प्लानेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा ये हो जाएगा ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद अगला जो पॉइंट है टोटल एनर्जी लिख लेते हैं यार, कि टोटल एनर्जी ठीक है एसोसिएटेड विथ सन एंड प्लैनेट सिस्टम, देखो तो टोटल एनर्जी क्या होगा टी इक्वल टू क्या होगा देखो 1/2 सॉरी के ई प्लस क्या होगा पी ई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो देखो के ई एट ए प्लस क्या होगा पी एट ए इज इक्वल टू के ई एट पी प्लस क्या होगा पी ई एट पी। मैंने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा ये याद रखना है माइनस कितना हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा 2A ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन प्लानेटरी मोशन कितना हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आपको इसको भी क्या करना है याद रखना है, m क्या है कैपिटल m क्या है मास ऑफ द सन या मास ऑफ द सन लिख लो, और p क्या है मास ऑफ द प्लैनेट ठीक है। तो ये भी क्या है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी मास ऑफ द प्लैनेट इंटू मास ऑफ द क्या होगा सन डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू a क्या है लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ठीक है। तो ये जनरली क्या होगा इस केस में तुमसे वेलोसिटी पूछा जाएगा, टोटल एनर्जी पूछा जा सकता है, और टाइम पीरियड कभी कभी क्या है पूछा जा सकता है, कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा ठीक है। नोट में मैं लिख देता हूँ, देखो नोट में एक पॉइंट याद रख लेना कि देखना आर
ए प्लस क्या होगा आर पी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आर मैक्स प्लस क्या होगा आर मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर मैक्स प्लस आर मीन बाई क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन दिया रहेगा, तो वहाँ से हम लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज क्या होगा ए क्यू, और ऐसे भी बोल सकते हैं विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर मैक्स प्लस आर मीन ठीक है बाई टू के पावर क्या हो जाएगा थ्री। समझ में आई बात, तो इसको तुम लोग देख लेना। इतना ही क्या होगा केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन में इतना ही पढ़ना है, इससे कुछ अलग क्वेश्चंस तुमसे नहीं पूछा जाएगा। इसको आज देख लें, जब लेक्चर देखना लेक्चर देखने के बाद इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू। ग्रेविटेशनल चैप्टर क्या हुआ फिनिश हो गया, कल शायद देखेंगे तो इस पर कुछ हम सम करेंगे ठीक है, ओके थैंक यू।